अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे फ्रॉम एंड्रॉयड टू MySQL। हम अपने एंड्रॉयड से रजिस्टर करेंगे और डेटाबेस PHP के ज़रिए MySQL के अंदर सेव करवाएंगे और फिर उसके बाद आगे होगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे पास एक फंक्शन है प्राइवेट चेक ईमेल का। इससे मैं चेक करूँगा कि अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो। अच्छा, ये व्हाट इज़ DB, ये मैं पहली वीडियो में आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि क्या होता है, और QR क्या है ये भी मैं पहली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ व्हाट इज़ दिस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है। ओके, तो ईमेल बनी हुई है u_email के नाम से, यहाँ चेंज, और उसके बाद टेबल है हमारा यूजर्स के नाम से, फ्रॉम यूजर्स ईमेल मैनेजर। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम एरर शो करवा देंगे, अदरवाइज हम उसके अंदर डेटाबेस में सेव करवा देंगे। ये फंक्शन है हमें हमारा पासवर्ड इनकोड करने का तरीक़ेकार क्या होता है। इनकोड पासवर्ड करेंगे हम इससे, हम इसमें ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम पासवर्ड देंगे प्लस ये की देंगे। ये की, ये एक डिफाइंड कीवर्ड है जो कि कॉन्फिग की फाइल में डिफाइन हुआ हुआ है, तो ये दैट इज़ वन की। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं, मैंने फिर ये दे दी, आप कोई भी एक्स्ट्रा जोड़ यहाँ पर ABCD अपना नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रैंडम नंबर दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो फंक्शन बनाते हैं हम, इसको उड़ा देते हैं पूरे को। ठीक है, यहाँ पर आ गया ग्लोबल $DB, और इसके अंदर हम लेंगे सिर्फ पैरम। एक फंक्शन बना हुआ है मेरे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर मैं पैरामीटर्स लूँगा, और ये GlobalDB का मैंने फंक्शन बनाया है। ओके, यहाँ पर मुझे लिखनी है कमांड अपनी SQL की क्यूरी, SQL इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरी SQL की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, SQL की कमांड यहाँ जाते हैं, SQL इंसर्ट, उसको हटा दें यहाँ से हम लोग, ओके। इमेज तो हमारे पास आएगी नहीं, तो इस वजह से अभी हम इमेज दे ही नहीं रहे, बाकी उसमें हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें जाएंगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो ये SQL की क्वेरी में हम लिख देंगे, और इसके अंदर यहाँ पर हम अपने पैरम को असाइन करेंगे, पैरम डॉट डॉट पैरम, और यहाँ आ जाएगा नेम, यहाँ आ जाएगा हमारा ईमेल, और यहाँ आ जाएगा हमारा, अच्छा पासवर्ड तो हम इंपोर्ट करेंगे, तो पासवर्ड हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं $pass इज इक्वल टू इंपोर्ट पासवर्ड, और इसमें दे देंगे हम पैरम $pairm, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड हमारा इंकोड हो जाएगा, इंकोड होके इसको हम यहाँ पर पास करवा देते हैं। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड ही पासवर्ड है। ठीक है, अब हम चेक करवाएंगे अपना ईमेल। क्या था ईमेल का, चेक ईमेल, और चेक ईमेल में हम ये दे देंगे अपना पैन। ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर मुझे ये, मैं इसमें ईमेल दूंगा, ये मुझे रिटर्न में ट्रू देगा और फॉल्स देगा। तो भाई अगर ट्रू दे रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमारे पास यहाँ पर डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम एरर दिखा देंगे। हम यहाँ पर देंगे डाटा इज इक्वल टू एरे, इसमें मैं दो की बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ सक्सेस के नाम से, सक्सेस में चले जाएगा हमारा फॉल्स, और एक बना रहा हूँ मैसेज के नाम से कि मैसेज में चले जाएगा हमारा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, तो अगर ये सक्सेसफुल, अगर ट्रू भर जाता है तो फिर ये हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे।
ओके तो क्यूरी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ डीबी और डीबी में क्यू आर और यहाँ पर क्यूरी देनी है एसक्यूएल। अगर मेरी क्यूरी ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, किसी को कॉपी पेस्ट डेटा क्यूरी हो जाती है तो अब सक्सेस में क्या होगा, ट्रू ट्रू जाएगा क्योंकि मेरा डाटा एग्जिस्ट हो चुका है और डाटा ऐड हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज में जो भी आप देना चाहें, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। और एल्स में हमारे पास एरर चले जाएगा, एल्स में एरर क्या जाएगा कि क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर चले जाएगा फॉल्स और यहाँ पर देंगे कि कोई भाई सर्वर एरर आ गया, कोई हमारे पास सर्वर एरर, ऐसे एरर आपको लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको रिटर्न करवा देंगे जैसा इन कोड के अंदर अपने इस एरर को, ठीक है। ये हो गया हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट। इसको अपलोड कर लेता हूँ सर्वर पे। ओके और यहाँ आते हैं इंडेक्स के ऊपर, यहाँ मैं एक केस बना रहा हूँ। यहाँ पर पहले कमेंट डाल दें कि यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद केस, केस में जाएगा कोई भी की, ये व्हाट इज़ केस, ये वही है जो मैंने की लास्ट वीडियो में डिफाइन करी थी, यूज़र रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, सही है ना। ओके रजिस्ट्रेशन और इसको ब्रेक। ओके ये हो गया हमारा कंप्लीट, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर एक मैं पैरम ले रहा हूँ, पैरम इज इक्वल टू एरे। ओके तो पहली जो की थी मेरी वो थी नेम, ये आ गई हमारी एरे की और ये आ गई हमारी डॉलर अंडरस्कोर होस्ट की, जो कि मैं एंड्रॉयड से भेजूँगा होस्ट की मैं आ जाएगा। इसको भी सेम देना, अगर देना चाहें तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, मर्जी आपकी, ठीक है। ईमेल में ईमेल आ जाएगा। बस ये चीज़ देखनी कि ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल मैच करनी चाहिए इससे, वरना पे गड़बड़ मिलेगी। और एंड्रॉयड के अंदर हमारी पोस्ट की मैच करनी चाहिए पोस्ट की से। ओके तो ये हो गया हमारा और ये अरे बन, और ये किस नाम से बना हुआ है, ये है यूज़र की क्लास और यूज़र की क्लास का ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है, अच्छा बना हुआ ही है। ओके तो क्या करेंगे हम, इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड बने से कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यूँ क्लास क्लासेस स्लैश यूज़र डॉट पी एच पी, ठीक है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉलर यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र्स क्लास, ठीक है। अब इस यूज़र के ऑब्जेक्ट से मैं अपनी सारी चीज़ों को एक्सेस करूँगा यहाँ पर यूज़र, और यहाँ आएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन और ये अपने अंदर मांग रहा है पैरम, तो इसको दे दो पैरम, ठीक है। और ये हो जाएगा इको, ये हो जाएगा यहाँ पर इको, ठीक। ओके तो भाई ये हमारा प्रोसेस ये वाला कंप्लीट हो गया, हमारी एपीआई जो है वो कंप्लीट हो गई। कितनी आसान सा काम था, बस इतना सा काम करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल सा काम है, बे इंतहा सिंपल है। पोस्ट की होगी मेरे पास, यू आर एल मेरा क्या बनेगा, तो बनेगा डॉट पी के, फाइल रखी हुई है मेरी रेस्ट एपीआई स्लैश रेस्ट एपीआई स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। ये मेरा यू आर एल है, आपका भी कोई इसी तरह का यू आर एल होगा, आप इसको क्या करेंगे बॉडी में जाएंगे। ओके तो बॉडी के अंदर किस तरीके से भेजना है, यहाँ पर आएंगे हम लोग और उसके बाद रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट की इसमें आ गई और यहाँ का जाएगा नेम ईमेल और पासवर्ड। ये हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं। पोस्टमैन आप लोगों ने शायद पहले भी देखा हो या फिर नहीं भी देखा हो, तो पोस्टमैन एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो हमारी REST API को टेस्ट करने के काम में आता है। तो मैं अभी सिर्फ ये टेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने जो API बनाई है
वो सही बनी है या फिर उसमें कोई मसला है। दिलावर खान ईमेल में दे रहे हैं कुछ भी, dilawar@gmail.com, और पासवर्ड में आ जाएगा एडमिन। ठीक है, सेंड कर रहा हूँ डाटा में। कुछ भी नहीं आया रिस्पॉन्स में। अच्छा सॉरी, ग्लोबल की फाइल तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको सर्वर पे भेजने की जरूरत है। ठीक है, सही। क्या आया? जैसन में आया, सक्सेस में आया ट्रू, और मैसेज में आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी मतलब मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर मेरा यूज़र आ चुका है। इसको भी चेक कर लेते हैं जाके। तो भाई ये आ गया मेरा नाम दिलावर खान, और मेरा ईमेल आ गया, और ये मेरा पासवर्ड इनकोड होके आ गया, और इमेज में नो इमेज आ गई। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अब ये वाला काम जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। रेट्रोफिट ने ये ज़िंदगी आसान कर दी है, वरना आपको इसका पार्सल बनाना पड़ेगा एंड्रॉयड में जाके, और फिर जाके बहुत सारा काम होगा। तो ये आसानी काम हो गया मुझे। आप इस जो भी आपका सर्वर से रिस्पॉन्स आया, आप इसको करें कॉपी, यहाँ जाएँ, यहाँ लिखें jsonschema.pojolo.com, jsonschema.pojolo.com, यहाँ पर जाएं, अपने रिस्पॉन्स को करें पेस्ट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप जावा, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसन, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जीसॉन, बस। और यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लेंगे, मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ ग्लोबल ग्लोबल रिस्पॉन्स क्लास, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स मैं बनाता हूँ ये बहुत सारे आगे जगह भी काम में आएगा, तो इस वजह से मैं इसका नाम ग्लोबल रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, ताकि मैं इस क्लास को हर जगह यूज़ कर सकूँ। और इसको प्रीव्यू करेंगे और ये जनरेट हो गया। बस अब आपको इसको यूँ उठाना है, यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ जाना है एंड्रॉयड के अंदर, और यहाँ क्लासेज में जाकर उसको कर देना है पेस्ट। बस हो गया था। अब क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये ऑटोमेटिक उसने क्या कर दिया, उसको पूरा उसने उसको रिस्पॉन्स को जितना भी जैसन का आ रहा था उसने उसको पार्स कर दिया पूरा, ये सब कुछ उसने खुद ही पार्स कर दिया। और यहाँ पर उसने प्रॉपर्टीज़ भी तैयार कर दी गेट सेट की और गेट मैसेज की, जो भी आपके पास यहाँ पर आता रहेगा वो उसी तरह यहाँ पर बढ़ता रहेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब उसके बाद हम आएंगे अपनी एसओ सर्विस के अंदर। अब ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, इसको कर दें इम्पोर्ट, और इसको भी करते हैं इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं URL भी दूंगा साथ में, अगर आप चाहें तो URL ना देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आप ऑलरेडी URL अपनी क्रिएट में यहाँ पर रेट्रोफिट में कर चुके हैं। हाँ भाई, अच्छा, यहाँ पर आप ऑलरेडी अपने URL क्रिएट कर चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से भी दे देंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्स क्लास, और यहाँ पर मेरे पास जो चाह रहा है इसको भी इम्पोर्ट करो, रिक्वेस्ट बॉडी को भी इम्पोर्ट करो। ओके, रिक्वेस्ट की जा रही है नाम, ईमेल, और क्या जा रहा है। अच्छा, ये जो की है ना, इसको ये पोस्ट कीज़ हैं आपकी, ये क्या है, पोस्ट कीज़ हैं, ये वाली बिल्कुल सेम होनी चाहिए, गलती हो गई तो एरर आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ओके, पासवर्ड, और यहाँ पर भी पासवर्ड, इसमें क्यों आ रहा है उसको भी इम्पोर्ट करो, और बाकी की मुझे तो ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो मुझे। ओके भाई, गेट यूज़र रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, मैंने एक अपनी इंटरफेस में एक एंड पॉइंट क्रिएट करा जो कि ये है, और इस फंक्शन का नाम ये है, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो अपने अंदर ये पैरामीटर मांगेगा। ठीक है, ये सारे पैरामीटर मांगेगा। ओके, तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, अब आ जाएँ उसी करते हैं। अब हम चलते हैं, कहाँ है हमारी साइनअप की क्लास, यहाँ जाते हैं। यहाँ मैं, अच्छा, यहाँ पर भी कुछ भी काम नहीं करा हुआ मैंने, तो पहले ये कर देते हैं, इसको बंद कर दे सकते हैं। जितनी भी आपकी फालतू चीज़ों के लिए मैं उनको बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अभी तो इसमें मैंने वो भी नहीं करा, एक काम करें, इसको ना पूरे को उठाएँ, इसको यहाँ से कट करें, इसको डालें एक रिलेटिव लेआउट में, और इसको कह रहे हैं मैश पैरेंट, मैश पैरेंट, इसको उसमें डालते हैं। अब ये क्यों करा ये भी मैं बताऊँगा आपको। इसको करेंगे हम लोग, ये होगा हमारा हाइट अंडरस्कोर लेआउट। एनिमेशन भी तो डालनी है यहाँ के बटन क्लिक हो तो कि कोई अच्छी सी एनिमेशन आए। अब यहाँ पर एक एनिमेटर भी लगाना पड़ेगा, वो यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास ये वाला है ना, इसको कॉपी करो और यहाँ जाओ और इसको कहते हैं यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, ये एनिमेशन व्यू को उसका नाम दे दो लोडिंग एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पर
कौन सी एनिमेशन है, ये वाली यूज करिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। ये आप यहाँ से इसकी जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे, जिस तरह हमने अभी इस फ्लैश स्क्रीन में करा था, वहाँ पर जाकर आप इस फाइल को बस यहाँ पर आके आपको उसमें पेस्ट करना है वॉक के अंदर, सही है। तो मैंने ये लोडिंग की फाइल को कर ली है कॉपी अपने पास, यहाँ पर लिख दूंगा मैं लोडिंग, और इसमें से मैं ये हटा दूँ लूप, बल्कि लूप तो लगे रहें तो ऑटो फिलर हटा दो, ऑटो फिलर ट्रू, और ये कहाँ है सेंटर हॉरिजॉन्टल है ना, इन सबको भी हटाओ और इसको कर दो सेंटर इन पैरेंट ट्रू, ठीक है। अब ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया बिल्कुल बीच में, और इसको कर दो विजिबिलिटी इसकी कर दो फोन, सही है, इसको फोन कर दो, बाय डिफॉल्ट वरना ये नज़र आता रहेगा वहाँ पर, ये हो गया बंद। अब बारी है बाइंड करवाने की डाटा को, यहाँ आ जाए आपके पास क्या क्या है। अच्छा ये काम हम लॉगिन से उठा सकते हैं क्योंकि सेम काम है हमारे पास, ये सारी चीज़ें ना क्या क्या है चेंज आया है हमारे पास, सिर्फ एक ये चीज़ बढ़ी है ना एक्स्ट्रा हमारे पास, ये हो जाएगा, और एक बटन रहेगा हमारे पास, और लेआउट भी तो बनेगा प्राइवेट रिलेटिव लेआउट, और इसकी क्या नाम है हाइट लेआउट, ओके, और ओके ये लो एनिमेशन, ओके। तो यहाँ पर करेंगे प्राइवेट लोटी एनिमेशन व्यू, और इसके अंदर ये देखेंगे, ठीक है, ओके। बाइंड करवाने व्यू इसको अपने अपने, ओके। तो ये बाइंड भी होगा आपकी व्यूज अच्छे तरीके से, ठीक है, काम जितना साफ सुथरा करेंगे कमेंट्स के साथ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा, ओके। ये काम हो गया हमारा यहाँ पर, ओके। तो आप क्या करना है यहाँ, और यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं प्राइवेट वॉइड और यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर जो मैंने अपनी सर्विस बनाई थी एसओ सर्विस यूज़र रजिस्ट्रेशन की, वो यूज़ करूँगा मैं, अब वो किस तरीके से यूज़ करना है वो देखना। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या होगा कि लोडिंग एनिमेशन डॉट प्ले, प्ले एनिमेशन, सही है भाई, एनिमेशन जो होगी वो आपकी प्ले हो जाएगी, ओके। उसके बाद आप करेंगे एसओ सर्विस इज इक्वल टू इस क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू API यूट्यूब डॉट गेट एसओ सर्विस, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एसओ सर्विस, और जैसे ही डॉट लगाएंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा जो आपने बनाया था गेट यूज़र रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर ये क्या मांग रहा है, सबसे पहले आपसे ये मांग रहा है URL, तो आपका URL जहाँ भी रखा हुआ है आप इसको दे दें, मेरा रखा हुआ है यहाँ पर, ये आ गया मेरा URL कि भाई इस URL के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। अब वो बोल रहा है एट द रेट पार्ट रिक्वेस्ट बॉडी दो, रिक्वेस्ट की दो, तो अब इसको किस तरीके से देना है, मैंने आपको याद होगा मैंने यूट्यूब के अंदर एक फंक्शन बनाया था ये वाला, इसको पास करने के लिए, तो इसी के जरिए हम भेजेंगे। यहाँ पर करेंगे यूट्यूब डॉट गेट सिंपल टेक्स्ट बॉडी, और इसके अंदर देंगे हम अपनी रिक्वेस्ट की, यानी कि मतलब ये वाली, ठीक है, इसको कॉपी यहाँ से पेस्ट, ओके। अब उसके बाद क्या बोल रही है, नेम दो, तो नेम भी इसी तरह ही देना है, जितना भी काम करना है वो आपको सारा पास करवा के भेजना है, सिंपल टेक्स्ट बॉडी के अंदर भेजना है ताकि कोई परेशानी ना हो। ET नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। अब क्या मांग रहा है, ईमेल, तो इसी को एक काम करो कॉपी पेस्ट, यहाँ पर कर दो ईमेल। अब क्या है पासवर्ड होगा, उसके बाद लाजमी पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद इसको भी यहाँ पर करो पासवर्ड ET पास, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे डॉट, और ये पहले ही फंक्शन आएगा आपके पास इनक्वी का, इनक्वी, और उसके बाद आप करेंगे न्यू, और जैसे ही आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तो आपके पास एक कॉल बैक लिस्नर आएगा ऊपर ही टॉप का, और उसको बस आपको एंटर का बटन दबाना है और ये आपका काम होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि सर्वर से कोई रिस्पांस आएगा तो उसके अंदर क्या करना है उस सूरत हाल में, और अगर हमारे पास सर्वर से कोई एरर आ गया तो उस सूरत हाल में हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स, यानी कि मतलब ये जो हमारे पास सर्वर से रिस्पॉन्स आया है
अगर रिस्पांस इज सक्सेसफुल है तो अंदर आ जाओ। अब रिस्पांस इज सक्सेसफुल के अंदर भी मैं एक और काम कर रहा हूँ, इफ रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट गेट सक्सेस। अब ये गेट सक्सेस क्या है? ये गेट सक्सेस वही है जो मैंने ये बनाया था, ये मुझे बताया था कि ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है, तो जो भी ट्रू और फॉल्स आएगा उसके हिसाब से मैं मैसेज शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वही है जो मैंने अभी यहाँ पर क्लास का बनाया था, ये वाला गेट सक्सेस, ठीक है। ओके गेट सक्सेस, और उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपके यूज़र का, तो आपको यहाँ पर जो भी काम करवाना है वो करवाएंगे। एल्स में हम क्या दिखाएंगे? एरर दिखाएंगे, तो एल्स में एरर दिखाते हैं टोस्टी डॉट एरर। ओके एरर के बाद इसमें हम देंगे हमारी साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद हम देंगे मैसेज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज, जो भी सर्वर से मैसेज आएगा वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम लेंथ डिफाइन करेंगे, तो डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को कॉपी यहाँ पर पेस्ट, उसको कर देंगे सक्सेस। तो अगर सर्वर से कोई मैसेज आएगा तो सक्सेस हो जाएगा, और इस एक्टिविटी को करवा दो फिनिश। ओके और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग एरर दिखाएंगे और अपनी चीज़ों को न्यू बनाएंगे। ओके अब ये क्या है एनिमेशन? ये एक एनिमेशन वही जो असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो लेआउट है ना, ये भी एक एनिमेशन के ज़रिए गायब हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर इसका एक वो बनाना पड़ेगा प्राइवेट, ये है एंड्रॉयड की अपनी एनिमेशन। इसमें एनिमेशन कहाँ है इसकी? एनिमेशन व्यू डॉट एनिमेशन और एनिमेशन, ठीक है ये आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइड लेआउट, क्योंकि इसके अंदर ही हम करवा रहे हैं, इसको भी। और ओके यहाँ आ रहा है हमारे पास, इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाएंगे। अगर हमारी कोई एक्सेप्शन हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा टी डॉट गेट मैसेज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में आएगा साइन अप एक्टिविटी। ओके और यहाँ क्या आएगा हमारा, क्या नाम है इसका, लोडिंग एनिमेशन। अच्छा यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हमें जो है वो एनिमेशन एक्सेप्शन आई होगी ना, तो हमें एनिमेशन को हाइड करवाना है और इसको हमें लोड करवाना है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं फेड इंटर, और ये इसमें एनिमेशन हो गया, और ये जो है ना ये दबा जाएगा, इसकी आ जाएगी डिजन, और यहाँ पर हमारा लोडिंग एनिमेशन जो होगी वो गायब होगी, और हमारा जो मेन लेआउट है वो विजिबल होगा। ओके तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। ओके तो अब क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर प्ले एनिमेशन हो रहा। अच्छा हाँ, यहाँ से एनिमेशन प्ले हुई थी, और अगर रिस्पॉन्स का सक्सेसफुल आ जाए तो यही काम यहाँ पर भी करना है, ये वाला काम हमें यहाँ पर भी करना है, सही। अच्छा इसको हटा दिया, एनिमेशन उसको विजिबल करवाना होगा, एनिमेशन हमारी गून हो जाएगी और ये हो जाएगा। ओके और ओके अब यहाँ पर हम जाते हैं, और इसके बाद हम करेंगे हमारा BTN रजिस्ट्रेशन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू टू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। ओके यहाँ पर हम चेक करवाएंगे इफ टेक्स्ट यूटिल्स इज एम्प्टी, यानी मतलब अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली है, ऐसा भी हो सकता है ना यूज़र ये खाली होगा और यूज़र ने क्लिक कर दिया तो फिर क्या होगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, ई टी डॉट नेम डॉट फोकस, हाँ चले गया,
सेट फोकस है रूम, ट्रू, यानी कि मतलब इसके ऊपर आ जाना चाहिए। और ई टी डॉट नेम डॉट सेट भी आया था, सेट एरर, एरर में हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। क्या अगर कोई इस तरह का करता है हमारे साथ तो इसी को करो कॉपी, इसको करो पेस्ट, और इसके बजाय यहाँ हो जाएगा एज़ इफ। ये होगा किसके लिए, ये नेम तक, ये हो जाएगा ईमेल के लिए, ईमेल यहाँ भी आ जाएगा ईमेल, और यहाँ भी आ जाएगा ईमेल। उसी को कॉपी और पेस्ट, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, और यहाँ भी आ जाएगा क्या, पासवर्ड, ठीक है, ओके। और अगर भाई ये सारी कहानी पूरी हो जाती है तो फिर क्या होगा, एल्स में हमारा फाइनली काम होगा। ओके, फाइनली हमारा क्या होगा, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का फंक्शन जो है वो चल रहा है। अच्छा, हमारी वो तो हार्ड हुई नहीं, तो उसको यहाँ से उठाओ, कॉपी करो इसको, यहीं डाल दो। यहाँ आएगा हमारा फिर एग्जिट, एग्जिट होगी, और लोडिंग एनिमेशन ये विजिबल होगा, और हाइड लेआउट जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा, और लोडिंग एनिमेशन हमारी प्ले भी होगी, ठीक है, ओके। यहाँ तक का काम हो गया, और एक चीज़ रह गई हमारी, इसको पूरे को उठाओ, हमने वो तो चेक करवाया ही नहीं। एक्स इफ यूटिल्स इज ऑनलाइन, अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो भाई तभी यही वाला काम होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर आएंगे, ये वाला काम होगा इसके अंदर, एज में हम एरर दिखाएंगे, एज में हम लोग यूटिल्स में, अरे वो डायलॉग बॉक्स को आएंगे, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वैसे ही बहुत लेंथ बड़ी हो गई है वीडियो की, तो उसकी लिख दो इंटरनेट नॉट फाउंड, ठीक है, ओके भाई। तो बस ये हो गया काम आपको, चेक कर, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, मुझे चला जाता हूँ, ये सर्वर बहुत स्लो है, चलो छोड़ो नया बनाऊंगा। गेट स्टार्टेड, हमारे पास अकाउंट नहीं है, सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट करेंगे, नाम मांग रहा है, नाम में देंगे टेस्ट, और यहाँ पर हम देंगे टेस्ट, अभी भी वही नहीं होगा, टेस्ट @gmail.com, और पासवर्ड एडमिन, और साइन अप। यस, ये आपने ऊपर क्रैश हो गई, कहाँ क्रैश हुई है भाई, ओहो ओके। तो अरे यार ये लेना भूला, मिनटम पास, इन चीज़ों को देखें, बस ये ख्याल रखना है, वरना तो बस ये छोटे मोटे एरर इस तरीके से आएंगे। इतना ख्याल से भी काम करने के बावजूद भी आप देखें तो एक हल्का सा क्या हुआ था, बस मैंने एक बाइंड नहीं करवाया, बस ये एरर है। तो बस आपके पास इस तरह की ट्रिक होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, शोर बहुत हो रहा होगा पीछे क्योंकि लाइट चली गई और जनरेटर चल रहा है, तो मेहरबानी करके माजर चाहता हूँ मैं। gmail.com, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एडमिन, और साइन अप करते हैं। तो ओके, ज़बरदस्त, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन टू, ये भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। असल में बात ये क्यों आता है, ये इस वजह से आता है कि जब आप अपनी एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर 9 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी होती, यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक टू, बस, क्योंकि 9 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट सर्वर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देता,
अगर आपका मोबाइल 9.0 पे है तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करने देगा, इसके लिए आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ वैसे भी मुझे ये बताना था, तो इसी में ही हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हम करते हैं, वैसे वो देखता हूँ मैं, वो अकाउंट इंटरनेट ही नहीं चल रहा। test@gmail.com और पासवर्ड हमारा एडमिन और साइन अप। ओके तो भाई वो हाइड हुआ और बैड रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ये क्यों बैड रिक्वेस्ट मिल रहा था, होगा क्या चीज नहीं गई थी सर्वर का हमारी। ओके सॉरी सॉरी दैट इज माय कॉपी, और मेरा बेस यूआरएल गलत है बेसिकली। लाइट चली गई, इंटरनेट भी नहीं चल रहा। गेट स्टार्टेड और यहाँ पर आएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ dilawar@gmail.com, पासवर्ड में एडमिन और साइन अप और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो भाई हमारा जितना भी डेटाबेस था वो यहाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की और वीडियोज़ भी बनाते रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।